गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कल हमने बलबन के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद में थोड़ी सी जानकारी हमने जलालुद्दीन के बारे में, जो फाउंडर था किसका, खिलजी डायनेस्टी का, उसके बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले फाउंडर किसका, खिलजी डायनेस्टी का। तो खिलजी डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। और उसने डेथ हत्या की थी, किसकी हत्या की थी, किसकी ट्यूमर्स की, कब, 1290 के अंदर, 1290 के अंदर इसने ट्यूमर्स की हत्या करके दिल्ली सिंहासन जो सल्तनत था उस पर अधिकार करके एक नया जो राजवंश है उसकी इसने स्थापना की, ठीक है। और एट लास्ट 1296, 1296 के अंदर जो अलाउद्दीन है उसका कजन एंड सन इन लॉ, ठीक है, उसने उसकी हत्या कर दी, किसकी, जलालुद्दीन की, कब, 1296 के अंदर, ठीक है। 1296 के अंदर जो अलाउद्दीन है उसके द्वारा हत्या कर दी जाती है, किसकी, जलालुद्दीन की, ठीक है। और एट लास्ट स्वयं रूलर बन जाता है इसका, खिलजी डायनेस्टी का, कहां पर, दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो इसके रूलर बनते ही, तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट इवेंट है उनके बारे में हम देखेंगे। और एट लास्ट सबसे पहले इसने अपने आप को क्या कहा, सेकंड अलेक्जेंडर, सेकंड अलेक्जेंडर कहा इसने, सेकंड अलेक्जेंडर कहा किसने, अलाउद्दीन ने, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें हम इसकी, इसकी अलाउद्दीन, तो इसने अपना जो साम्राज्य इसको नॉर्थन पार्ट से लेकर के कंप्लीटली साउथर्न पार्ट तक इसने अपने साम्राज्य को एक्सपेंड किया, मतलब फैलाया था। केवल दो ही स्टेट ऐसे थे जिन पर अधिकार नहीं कर पाया था, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से हैं, वह कश्मीर एंड बंगाल, ठीक है, वो मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया, आपको दोनों ध्यान में रखने, ठीक है। और अलाउद्दीन के लाइफ की जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है वो गुजरात अटैक था। गुजरात जो कैंपेन था, गुजरात जो इसका जो अभियान था, वो इसके लाइफ का सबसे जो इंपॉर्टेंट इवेंट है उनमें से एक इवेंट मानी जाती है, क्योंकि वहां से इसको बड़ी मात्रा में धन भी प्राप्त होता है। और एक सबसे बड़ी जो वहां से अचीवमेंट जो प्राप्ति है वो किसकी है, वो है मलिक काफूर, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि वहां का रूलर कौन था, और इसके बाद में कौन कौन से क्षेत्रों पर ओवर अटैक करता है। तो देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ए मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट बघेला राजपूत किंग रायकरण देव ऑफ गुजरात। मतलब जब अलाउद्दीन अटैक करता है किस पर, गुजरात पर, उस समय वहां का रूलर कौन था, रायकरण, ठीक है, और उस पर ये अधिकार कर लेता है, इस पर, गुजरात पर, ठीक है। और बड़ी मात्रा में वहां से वेल्थ के साथ में एक व्यक्ति है जो मैंने अभी भी बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मलिक काफूर, वो वहां से इसको प्राप्त होता है, जो हिंदू कमांडर था। एट लास्ट ये रिलीजियस कन्वर्ट करके किसमें, इसको जो इस्लाम रिलीजियस है इसको एक्सेप्ट करता है, और इसका नाम हमें देखने को मिलता है मलिक काफूर, ठीक है। आगे देखो रणथंभौर 1301, 1301 में जो अलाउद्दीन है इसके द्वारा अटैक किया जाता है, किस पर, रणथंभौर पर। और रणथंभौर का उस समय जो शासक जो रूलर था वो कौन था, हमीर देव चौहान, कौन था, हमीर देव चौहान, ठीक है। और हमीर देव चौहान के साथ में आपको दो वर्ड और ध्यान में रखने, वो थे उसके कमांडर भीम सिंह और धर्म सिंह, ठीक है। तो फर्स्ट वहां पर भेजा जाता है किसको, इसके द्वारा, अलाउद्दीन के द्वारा, उलुग खान और नुसरत खान, दो व्यक्ति जो दो इसके कमांडर थे किसके, अलाउद्दीन के, उनके नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। जो उलुग खान और नुसरत खान है उनको भेजा जाता है कहां पर, रणथंभौर। और उस समय जो रणथंभौर का शासक था जिसका नाम है हमीर देव चौहान, वो कोटि ये जन यज्ञ में लगा हुआ था,
और एट लास्ट वो स्वयं ने जाकर के अपने दो जो कमांडर जिनका नाम था भीम सिंह और धर्म सिंह उनको सेंड करता है, भेजता है, और एट लास्ट दोनों के मध्य में युद्ध होता है और युद्ध में हार होती है किसकी, अलाउद्दीन, ठीक है। और बड़ी मात्रा में वहां से इनको जो धन है जो वेल्थ है वो प्राप्त होता है किसको, भीम सिंह और धर्म सिंह को। और ये उसको लेकर के किसकी ओर प्लान करते हैं, किसकी ओर रहते हैं, रणथंभौर की ओर। उसी समय वापस से फिर से अटैक किया जाता है किसके द्वारा, जो अलाउद्दीन के दो दो कमांडर है जिनका नाम है रणमल सॉरी उलुग खां और नुसरत खां, उनके द्वारा फिर से इन पर अटैक किया जाता है। और इस बार जो भीम सिंह स्वयं चला जाता है और धर्म सिंह को बहता है और धर्म सिंह की इसमें डेथ हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में एक एरो फोर्ट के अंदर से आता है और वो लगता है किसको, नुसरत खां को, उसमें उसकी भी डेथ हो जाती है। ये सूचना पहुंचती है किसके पास में, अलाउद्दीन के पास में। अलाउद्दीन इस बार स्वयं एक बड़ी सेना लेकर के पहुंचता है कहां पर, रणथंभौर, ठीक है। कहां पहुंचता है, रणथंभौर पहुंचता है और एक बड़ा जो युद्ध है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस युद्ध में भी अलाउद्दीन मोस्टली किसके माध्यम से, छल कपट के माध्यम से ही विजय प्राप्त कर पाता है, किस पर, रणथंभौर पर। क्योंकि इस बार जो इसके दो कमांडर है किसके, हमीरदेव चौहान, वो कौन कौन थे, रणमल और रतिपाल, ठीक है। उनको ये प्रलोभन दे देता है, कौन है, अलाउद्दीन, जैसे हम रणथंभौर फोर्ट पर अधिकार कर लेंगे, अधिकार करने के बाद में ये फोर्ट वो आपको दे दिया जाएगा। और एट लास्ट उनके माध्यम से इसको इसको अलाउद्दीन को फोर्ट में इंटर होने के जो सीक्रेट वे उनके बारे में पता चल जाता है और एट लास्ट ये इंटर उसमें कर लेता है और युद्ध में विजय प्राप्त होती है किसकी, अलाउद्दीन। आगे देखो, मेसिवेल ही वाज असिस्टेड बाई एन आर्मी कमांडर मलिक काफूर, यह बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और इसके बाद में आगे आपको ध्यान में रखना है, किसकी सहायता से, अकॉर्डिंग टू आमिर खुसरो रीच रामेश्वरम, यह बात बोलता है कौन, आमिर खुसरो, ठीक है। ये कहता है कि अलाउद्दीन है वो किसकी सहायता से, मलिक काफूर की सहायता से जो साउथर्न पार्ट का इंडिया का जो हिस्सा है रामेश्वरम वहां तक पहुंच जाता है, कौन पहुंच जाता है, अलाउद्दीन, किसकी सहायता से, मलिक काफूर की सहायता से, मतलब दक्षिणी भारत में ये मलिक काफूर की सहायता से इंटर कर पाता है, मलिक काफूर की सहायता से ही प्रवेश कर पाता है, किस कौन क्षेत्र में, दक्षिण भारत में, ठीक है। और इसके पहले मैंने आपको बताया था कि दो बड़ा आपको ध्यान रखने कौन कौन से, कश्मीर और बंगाल, तो ये दो ऐसे स्टेट थे उस समय जिनके राज्य में नहीं थे, ठीक है। और एट लास्ट रामेश्वरम जो सबसे साउथर्न पार्ट है किसका, इंडिया का, वहां तक इसकी सहायता से, मलिक काफूर की सहायता से वहां तक पहुंच जाता है, ठीक है। आगे देखो, इसके अलावा इसने कुछ सुधार भी किए थे, इसने अलाउद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन ने जो सुधार किए उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो उन सुधारों में एक तो आपको ध्यान में रखना है, एनेक्सिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एरिस्टोक्रेट्स, जो एरिस्टोक्रेट्स कुलीन वर्ग के लोग हैं उनसे छीन लेना, क्या प्रॉपर्टी, मतलब वो क्या नहीं रख सकते हैं, प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। एंड इंक्रीजिंग द रेवेन्यू बाय चेंजिंग बैरन लैंड इनटू एग्रीकल्चर लैंड, ये आपको ध्यान में रखना है, टैक्स बढ़ा दिया था इसने, कौन से क्षेत्र में, जो पहले बैरन मतलब अनुपजाऊ भूमि थी, मतलब जहां पर कृषि नहीं होती थी उस क्षेत्र में अब कृषि होना स्टार्ट हो गई थी, उन क्षेत्रों में इसने क्या कर दिया था, जो टैक्स है वो बढ़ा दिया था, कर है वो बढ़ा दिया था, ठीक है। इसके अलावा बेन, इसके अलावा बेन ऑन अल्कोहल इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर जो अल्कोहल है इसके द्वारा कंप्लीटली क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो एरिस्टोक्रेट्स, जो कुलीन, जो अपर वर्ग, वो क्या नहीं कर सकते हैं, टुगेदर मतलब एक ग्रुप्स के रूप में नहीं रह सकते, एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। ये इन्होंने कुछ चेंज किए थे इसमें दिल्ली समय, ठीक है। इसके बाद में आपको जो दो इम्पोर्टेंट इसकी जो टाइटल जिसको हम कह सकते हैं, एड ऑन उपाधि पदवी जिसको हम कह सकते हैं, जो इनको दी गई थी, मतलब ये तो इसने स्वयं अपने आप ली थी, वन वर्ड क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत अच्छा बनता है,
सेकंड अलेक्जेंडर, मतलब इसने अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर कहा था, किसने? अलाउद्दीन। इसके अलावा आमिर कुछ है वो भी इसको कुछ उपाधि जो पदवी है वो देता है, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखने हैं। सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सुल्तान, एंड पब्लिक्स हेड्समैन, लोगों का चरवाहा भी इसको कहा गया है, इसको अलाउद्दीन किसके द्वारा कहा गया है ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, किसके द्वारा कहा गया है? आमिर खुसरो के द्वारा इसको कहा गया है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखें तो इसके अलावा और जो रिफॉर्म्स हैं, जो सुधार हैं वो किए गए, वो कौन कौन से किए गए वो देखते हैं। तो इनमें कंट्रोल और मार्केट्स, जो मार्केट जो बाजार है उन पर इन्होंने नियंत्रण किया, ठीक है, फर्स्ट सॉरी। इसके अलावा एक और ध्यान रखना है, कंट्रोल ऑन ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी पर भी इसने क्या लगाई? रोक लगाई, ठीक है, मतलब इसने उचित व्यवस्था को अपनाई, कहां पर? मार्केट में, ठीक है। इसके अलावा ये पहला रूलर था, पहला शासक था जिसने क्या किया, हु पेड हिज सोल्जर्स इन केश, सैनिकों को वेतन किसके रूप में? केश के रूप में देना तो इन्होंने स्टार्ट किया था, किसने? अलाउद्दीन, ठीक है। इसके अलावा एक छोटी सी इवेंट और है जो चित्तौड़ में जो 1303 के अंदर हुई थी, ठीक है, तो इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, 1303 के अंदर। तो उस समय वहां का रूलर और कब हुआ, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चित्तौड़ पर अटैक इसने कब किया था? 1303 के अंदर किया था, और उस समय वहां का जो रूलर था वो कौन था? रतन सिंह, ठीक है। इसके अलावा 1303 में एक और इंपॉर्टेंट इवेंट है वो आपको ध्यान में रखनी है, अलाई फोर्ट, जिसका निर्माण अलाउद्दीन के द्वारा कराया जाता है, इसके द्वारा, अलाउद्दीन के द्वारा, कब? 1303 के अंदर, ठीक है। और इसकी एक छोटी सी विशेषता वो भी आपको ध्यान में रखनी है, इसके द्वारा निर्मित की गई, किसके द्वारा? अलाउद्दीन के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा हम अलाउद्दीन के बारे में बात करें तो ये इस डायनेस्टी का सबसे जो लंबे समय तक शासन करने वाला रूलर था, और मोस्टली जो इंडिया पर या मोस्टली जो इंडियन जो स्टेट थे उन पर अधिकार करने वाला रूलर था, और एट लास्ट इसके बाद में जो रूलर हुए वो इतने एबल नहीं थे, जिसके कारण जो शीघ्र ही इस जो डायनेस्टी इसका हमें अंत देखने को मिला। और इस डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर है उसका भी आपको नाम ध्यान में रखना है, लास्ट रूलर था वो था नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार, थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले खिलजी डायनेस्टी, फाउंडर जलालुद्दीन, वैन 1290, एट लास्ट 96 में उसकी डेथ, किसके द्वारा? उसी के सन इन लॉ एंड कजन के द्वारा, ठीक है। ये जो जलालुद्दीन था वो 70 ईयर ओल्ड था, मतलब बूढ़ा व्यक्ति था, एट लास्ट इसकी हत्या कर दी जाती है इसके द्वारा, इसी का जो सन इन लॉ या साथ में कजन भी था जिसका नाम था अलाउद्दीन, उसके द्वारा, कब? 1296 के अंदर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या ध्यान में रखना है, जो अलाउद्दीन है उसका जो साम्राज्य है, उसका जो एम्पायर है वो एक्सपेंड, मतलब फैला हुआ था कहाँ तक? कंप्लीटली इंडिया के अंदर, केवल दो पार्टों को छोड़कर, केवल दो जो स्टेट है उनको छोड़कर, वो कौन से स्टेट थे? वो थे कश्मीर एंड बंगाल, ये इसके राज्य में एड नहीं थे, मतलब जुड़े नहीं थे, शामिल नहीं थे, ठीक है। और इसकी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट थी जो मैंने अभी भी आपको बताई थी, जिसके बाद में ही कम्प्लीटली इंडिया पर जो अपना शासन है वो आगे बढ़ा पाया था, वो था गुजरात पर इसका अटैक, जो उस समय वहां का रूलर
राय करणदेव था, उसके द्वारा किया गया था। तो वहां से इसको बड़ी मात्रा में जो मैसिव वेल्थ और एक ही वाज असिस्टेड बाय एन आर्मी कमांडर मलिक काफूर का भी इसको साथ मिलता है वहीं से, ठीक है। और उसके बाद में ही ये जो अलाउद्दीन है वो दक्षिण भारत में एंटर कर पाता, मतलब प्रवेश कर पाता। इससे पहले दक्षिण भारत के राज्यों पर इसका अधिकार नहीं, साउथर्न जो पार्ट था इंडिया का उस पर इसका अधिकार नहीं था। किसका? अलाउद्दीन का। किसकी सहायता से? मलिक काफूर की सहायता से ही साउथर्न जो पार्ट है किसका, इंडिया का, उसमें ये प्रवेश कर पाता है, ठीक है। और इसके बाद में रणथंभौर 1301 के अंदर अटैक करता है, और उस समय वहां का जो रूलर था वो हमीरदेव चौहान था। उसके कमांडर के नाम आपको ध्यान में रखने हैं कौन कौन थे, तो भीम सिंह और धर्म सिंह। इसके अलावा हम बात करें अलाउद्दीन के जो कमांडर थे उनकी, तो वो कौन कौन थे, वो थे नुसरत खां और उल्लू खां, ठीक है। फसल इनको जो सफलता वो नहीं मिलती है इनको, अलाउद्दीन को या फिर इसके जो कमांडर थे उनको, ठीक है। एट लास्ट फिर से अटैक किया जाता है और इस बार इनको सफलता मिलती है और ये क्या कर लेते हैं, रणथंभौर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और जो हमीरदेव है उसके द्वारा इसमें केसरिया वो किया जाता है, और उसकी जो क्वीन पदमला के द्वारा इसमें जल जोहर किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्या किया जाता है? जल जोहर किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो इसका अटैक हुआ वो किस पे हुआ? चित्तौड़ पर हुआ। कब हुआ? 1303 के अंदर हुआ। तो उसके बारे में अपने चैप्टर में ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, इसमें आपको ज्यादा ध्यान में भी नहीं रखना है, ठीक है। रावल रतन सिंह के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि वहां का उस समय वो रूलर था, और वहीं पर केसरिया वो जो दोनों हमें देखने को मिलते हैं, कब? 1303 के अंदर। इसके बाद में आमिर खुसरो के अनुसार, जिसके कोर्ट में, इसके अलाउद्दीन के कोर्ट में रहा करता था, उसके अकॉर्डिंग जो अलाउद्दीन है उसका जो साम्राज्य है, उसका जो एम्पायर है वो फैलाया जाता है किसके द्वारा? मलिक काफूर के द्वारा। कहां तक? रामेश्वरम तक, मतलब साउथर्न पार्ट आ गया कंप्लीटली इसके अंदर। वहां तक जो इसका जो साम्राज्य है उसको फैला दिया जाता है, मतलब उन पर अधिकार कर लिया जाता है किसके द्वारा? मलिक काफूर के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी, इसके कुछ सुधार भी हमें उस समय देखने को मिले थे। वो सुधार कौन कौन से, जो अभी अभी आपको बताए थे, फिर से रिपीट कर देता हूँ। एनेक्सिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एरिस्टोक्रेट्स, जो कुलीन वर्ग है वो क्या नहीं कर सकता है? प्रॉपर्टी वो नहीं रख सकता, संपत्ति वो नहीं रख सकता है, उनसे जो संपत्ति वो छीन ली गई थी किसके द्वारा? अलाउद्दीन के द्वारा, ठीक है। क्यों छीनी गई? क्योंकि उस समय जो रूलर, जो शासक हुआ करता था, उसको मोस्टली बढ़ाने में या उसको हटाने में तो सबसे बड़ा रोल होता था वो किसका होता था? एरिस्टोक्रेट का ही होता था। अब जैसे ही अलाउद्दीन की डेथ होती है, उसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि खिलजी डायनेस्टी में भी एरिस्टोक्रेट के द्वारा क्या कर दिया जाता है? दरबा कर दिया जाता है, रिवॉर्ड्स कर दी जाती है, और एट लास्ट एक नई डायनेस्टी में देखने को मिलती है। इससे पहले खिलजी डायनेस्टी से पहले हमें जो महमूद शाह है, नासिरुद्दीन शाह है, उनके द्वारा रिवॉल्ट देखने को मिलता है, और उसमें जो क्यूमर से उसकी हत्या किसके द्वारा? जलालुद्दीन के द्वारा की जाती है, और एट लास्ट नई जो डायनेस्टी में देखने को मिलती है। मतलब हम बात करें तो मोस्टली जो रोल होता है वो किसका होता है? एरिस्टोक्रेट, ठीक है, कुलीन वर्ग का ही होता था। इसलिए इसने किसने अलाउद्दीन ने कि उपद्रव ही नहीं कर सके, अगर इनकी स्थिति ही अच्छी नहीं होगी तो ये उपद्रव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ऑर्डर पारित कर दिया, जारी कर दिया कि ये जिनके पास में प्रॉपर्टी उसको क्या कर लिया जाए, छीन लिया जाए, ठीक है। और खुद की स्थिति, जो खुद की कंडीशन थी उसको मजबूत करने के लिए, उसको सुदृढ़ करने के लिए इसने क्या कर दिया, जो बैरन लैंड थी, जो अनुपजाऊ भूमि थी, उनको इसने चेंज कर दिया किसमें, मतलब उस क्षेत्र जो पहले जिस क्षेत्र पर कृषि नहीं होती थी, उस क्षेत्र पर भी इसने कृषि कार्य करना स्टार्ट करवा दिया, और एट लास्ट उस जगह पर
उस स्थान पर, उस एग्रीकल्चरल लैंड पर इसने क्या किया, जो टैक्स है वो भी बढ़ा दिया, ठीक है, ताकि जो स्थिति है, कंडीशन है इसकी, इसकी डायनेस्टी की, वो क्या कैसी हो सके, सुदृढ़ हो सके, मजबूत हो सके। इसके अलावा बैन ऑन एल्कोहल, ये भी एक बड़ी समस्या थी, इसके क्या किया, कंप्लीटली बैन ही कर दिया, प्रतिबंधित ही कर दिया, कहां पर, दिल्ली के, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, एंड बैनिंग द गेट टुगेदर ऑफ एरिस्टोक्रेट, और साथ में एक एक ग्रुप में भी नहीं रह सकते हैं। मतलब है, अलग अलग रहेंगे तो उपद्रव कैसे कर पाएंगे, अगर किसी का विरोध करना, किसी और रिवोल्ट करनी है, तो उसके लिए हमें बड़े संघ की आवश्यकता होगी। और इसने क्या किया, जो एरिस्टोक्रेट थे उनको अलग ही कर दिया कि वो एक साथ में रह ही नहीं सकते हैं, ठीक है, ताकि क्या नहीं हो, इनके विरोध में रिवोल्ट नहीं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, इसके इंपोर्टेंट जो कंट्रोल, जो नियंत्रण, जो सुधार जिसने जारी किए थे वो थे। इसके अलावा अगर वनवर्ड पूछा जाए तो वनवर्ड के अंदर दो तीन बातें आपको मैंने बताई थी, सेकंड अलेक्जेंडर है, इसके अलावा आमिर खुसरो इसको क्या कहता है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। आमिर खुसरो के द्वारा इसको जो एडवर्ड मतलब नवाजा जाता है, पदवी दी जाती है, किसकी, सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड की, ठीक है। और इसके अलावा पब्लिक्स हर्ड्समैन की, लोगों का चरवाहा है जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसने कुछ सुधार किए, तो सुधार की भी हम बात करते हैं। सुधारों में देखें तो आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले इसने कंट्रोल किया किस पे, मार्केट पे, ठीक है, किस पे किया, मार्केट पे, ठीक है, सबसे बड़ी समस्या थी उस समय। इसके अलावा कंट्रोल ऑन ब्लैक मार्केटिंग, नियंत्रण कालाबाजारी को रोका, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, अगर इसके बारे में वनवर्ड की बात करें तो फर्स्ट रूलर था, इसने क्या किया, सोल्जर्स को केस देना स्टार्ट किया, ठीक है, इससे पहले केस नहीं दिया, मतलब मॉनेटरी सिस्टम था वस्तु, लेकिन इसने स्टार्ट कर दिया किसको, करेंसी, केस को, मतलब सोल्जर्स को इसने क्या देना स्टार्ट कर दिया, केस में देना वो स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा 1303 के अंदर ही एक और इवेंट बताई थी आपको, अलाई फोर्ट, जो इसके द्वारा निर्मित, या जो अलाउद्दीन है उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। और अलाई फोर्ट के अंदर आपको एक कॉमन सी छोटी सी बात है, वो आपको ध्यान में रखने, पूछा तो नहीं जा सकता लेकिन पूछा भी जा सकता है, छोटी सी बात है जिसको हम कहें कि इसने अलाई फोर्ट का निर्माण करा, और उसमें 7 गेट्स थे, ठीक है। और इस डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो कौन था, नासिरुद्दीन खुसरो शाह है, ठीक है। और इसके बाद में हमें एक नई डायनेस्टी है वो देखने को मिलती है, कहां पर, दिल्ली पर, और वो थी तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तो तुगलक डायनेस्टी के बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर ले। तुगलक डायनेस्टी में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, फर्स्ट सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट जो रूलर हुए हैं उनके नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले जो गाजी मलिक है, जो गयासुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो गाजी मलिक है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और गाजी मलिक के बाद में जो सेकंड, उसका जो पुत्र जोना खान के नाम से जाना जाता है, जिसको हम मोहम्मद तुगलक के नाम से जानते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट, हाँ, तो जैसे हमने जो खिलजी डायनेस्टी है उसका पतन देखा, लास्ट रूलर जो खुसरो शाह देखा, उसकी हत्या करके जो गाजी मलिक गयासुद्दीन जो तुगलक है वो रूलर बनता है, कब बनता है ये आपको ध्यान रखना है, 1320, 1320 में। आगे देखो, इसमें जो गाजी मलिक जैसे ही रूलर बनता है, सबसे ज्यादा जो रिवोल्ट्स, कौन से प्रोविंशियल जो रिवोल्ट्स तो देखने को मिलते हैं, वो किसको देखने को मिलते हैं, वो गाजी मलिक को ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो प्रांतीय प्रोविंशियल जो रिवोल्ट्स, जो उपद्रव स्टार्ट हो जाते हैं किसके समय में, गाजी मलिक, जैसे गाजी मलिक रूलर बनता है, रूलर बनते ही प्रांतीय जो रिवोल्ट्स वो स्टार्ट होते हैं, उनको रोकने के लिए
जो इसका पुत्र जिसका नाम है जोना खान, जो आगे किसके नाम से मोहम्मद तुगलक के नाम से जाना जाएगा, उसको भेजता है। ठीक है, कहां पर? जो तेलंगाना का जो रूलर प्रताप रुद्रदेव, उसके रिवोल्ट को दबाने के लिए वारंगल भेजता है। ठीक है, और उसको ये दबाने में सक्सेस भी होता है। कौन? जोना खान। ठीक है, इसके बाद में एक रिवोल्ट इसी के समय में, किसके समय में? जो गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक है उसके समय में, जो ओडिशा है वहां पर भी हमें देखने को मिलता है। उसको भी सक्सेसफुल या सफलतापूर्वक दबाने में जो जोना खान है वो सफल होता है। इसके बाद में बात करें हम गाजी मलिक या फिर गयासुद्दीन तुगलक की, तो इसके समय का जो लास्ट जो मिलिट्री एक्सपेडिशन, इसका गाजी मलिक का, वो कौन सा था वो आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में आगे हम देखें, जैसे ही ये ओडिशा का जो उपद्रव दबा करके वापस इसकी ओर दिल्ली की ओर प्लान करता है, उस समय एक जो रिसेप्शन सेरेमनी है वो ऑर्गेनाइज की जाती है। कहां पर? दिल्ली के अंदर। कहां पर? दिल्ली के अंदर। ठीक है, और एट लास्ट उसमें वुडन स्ट्रक्चर है उसका निर्माण, मतलब लकड़ी के जो भव्य गेट है उनका निर्माण करवाया जाता है। और उनसे गिरने के कारण जो गाजी मलिक या फिर गयासुद्दीन तुगलक जिसको हम बोलते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। कब? 1325 में, 1325 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद में जो उसका पुत्र जोना खान है, जो मोहम्मद तुगलक के नाम से, इसके नाम से मोहम्मद तुगलक के नाम से दिल्ली का जो नया सुल्तान है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में वन वर्ड की ओर से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना आपको। तो इसकी टाइटल है, उपाधि है किसकी? मोहम्मद तुगलक की। तो एक तो ये एस्टोनिशिंग मिक्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, विरोधों का मिश्रण इसको कहा गया, इसको मोहम्मद तुगलक या फिर जोना खान को, एक नाम है दोनों। इसके अलावा थर्स्टी ऑफ ब्लड के नाम से भी इसको जाना जाता है, किसको? मोहम्मद तुगलक। ठीक है, इसके अलावा प्रांत भी पूछे जा सकते हैं कि जोना खान या फिर मोहम्मद तुगलक जो इस समय शासन कर रहा था, उस समय जो इसके जो राज्य की जो स्टेट की जो कंडीशंस थी वो पूछे जा सकते हैं, कितने पार्टों में डिवाइड थी, तो 23 पार्ट्स में। ठीक है, उस समय जो स्टेट थे हम उनको किसके नाम से? मुक्ताज के नाम से जानते हैं, मतलब प्रोविंस, जो प्रांत जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक और वन वर्ड यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, वो आपको ध्यान में रखना है, बर्नी। जो इसकी 5 मेजर पॉलिसीज है उनका डिस्क्राइब आपसे पूछा जा सकता है कि इनका जो डिस्क्राइब वो किसने किया। ठीक है, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो 5 इनके जो मुख्य जो पॉलिसियां हैं किसकी? मोहम्मद तुगलक की, उनके बारे में बताइए। ठीक है, तो वो देखते हैं सबसे पहले बर्नी के द्वारा। तो 5 इसकी जो पॉलिसियां हैं किसकी? सुल्तान की। और उस समय सुल्तान कौन था? जोना खान या फिर मोहम्मद तुगलक। तो वो आपको भी फिर से मैं बता देता हूं, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो, सबसे पहले इसने क्या किया? टैक्स इंक्रीज इन दोआब, दोआब क्षेत्र, वहां पर इसने क्या किया? टैक्स बढ़ा दिया। सेकंड, मेकिंग देवगिरी एज द कैपिटल, ध्यान में रखना है, अलग से वन वर्ड क्वेश्चन फिर से बनता है यहां से। देवगिरी को जो कैपिटल बनाने वाला जो रूलर है, कौन सी डायनेस्टी का? तुगलक डायनेस्टी का, उसके बारे में आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसका तो इन 5 पॉलिसियों में देखे तो सेकंड जो इसकी इंपोर्टेंट जो पॉलिसी थी वो कौन सी थी? देवगिरी को ये क्या करता है? अपनी कैपिटल बनाता है। नेक्स्ट, सर्कुलेशन ऑफ टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसके द्वारा ही स्टार्ट करवाया जाता है। किसके द्वारा? जो ये मोहम्मद तुगलक है इसके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिसी में देखे तो ये खुरासान, इस पर अटैक। नेक्स्ट, एक्सपेंडिशन टुवर्ड्स प्राचील, प्राचील की ओर सैन्य अभियान भी इसके द्वारा करवाया जाता है। ये मुख्य 5 पॉलिसी थी जो इसने अपना रखी थी, किसने? जोना खान ने। ठीक है, तो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ फटाफट से। सबसे पहले तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट रूलर है खिलजी डायनेस्टी का, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नासिरुद्दीन बताया था आपको, उसकी हत्या करके कौन? गाजी मलिक, जो गयासुद्दीन तुगलक उसके नाम से
पहली का जो नया रूलर है वो देखने को हमें मिलता है कब, 1320 के अंदर, ठीक है। और इसके सामने सबसे बड़े जो चैलेंज है वो हमें देखने को मिलते कौन कौन से हैं, जैसे ये रूलर बनता है, रूलर बनते ही इनके सामने सबसे बड़े जो चैलेंज, जो चुनौती इसके समक्ष आई वो कौन सी थी, अलग अलग प्रांतों में प्रोविंशियल जो स्टेट इसके समय थे उनमें उपद्रव होना स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है। और इनको ये रोकने के लिए, इन रिवोल्ट्स को ये रोकने के लिए अपने जो जो इसका जो पुत्र था जिसका नाम था जोना खान, उसको क्या करता है, भेजता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके समय जो इवेंट थी वो एक आपको एक रूलर का नाम भी ध्यान में रखना है, तो कहां का था, तेलंगाना का, ठीक है। उसका जो विद्रोह सबसे पहले इसको देखने को मिलता है और उसको दबाने के लिए कहां पर, वारंगल भेजा जाता है, किसको, जोना खान, ठीक है। और इसमें सक्सेस भी होता है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है ओडिशा, ठीक है। ये जो गाजी मलिक है, गयासुद्दीन जो तुगलक है, इसका जो लास्ट मिलिट्री एक्सपेडिशन तो आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा था, ओडिशा का था, ठीक है। इसके बाद में इसको ये और जो उपद्रव देखने को नहीं मिले, क्यों नहीं मिले उसके पीछे भी हम देखेंगे। जब ये जो इसका लास्ट जो उपद्रव है कौन सा, जिसका सामना इसको करना पड़ा, वो था ओडिशा का। और उसको दबाने में भी फिर से सफलता प्राप्त करता कौन, इसका जो पुत्र था जोना खान, जो आगे चल करके किसके नाम से जाना गया, मोहम्मद तुगलक के नाम से, ठीक है। और जैसे ही इनको ये सफलता मिलती है तो इस सफलता के उपलक्ष्य में एक रिसेप्शन सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है, कहां पर, दिल्ली के अंदर। और उसमें जो वुडन गेट है उसका निर्माण करवाया जाता है और एट लास्ट वहां से गिर जाने के कारण किसकी डेथ, जो गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक है उसकी डेथ हो जाती है। कब, ध्यान में रखना है, 1325 के अंदर, ठीक है। और जैसे इसकी डेथ हुई, इसका जो पुत्र था जिसका नाम है जोना खान, जोना खान रूलर बनता है, रूलर किस नाम से बन जाता है ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जोना खान एक नई उपाधि से, किसके नाम से, मोहम्मद तुगलक के नाम से शासक बनता है। और इसके अलावा ये अपने आप को कुछ उपाधियां भी देता है, जो एस्टोनिशिंग मिक्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभासों का जो मिश्रण जिसको हम कह सकते हैं, और थर्स्टी ऑफ ब्लड, रक्त का प्यासा जिसको हम कह सकते हैं, इसके नाम से भी ये जाना जाता है, कौन, जोना खान, ठीक है। इसके समय जो प्रोविंशियल जो पार्ट थे वो टोटली 23 पार्ट्स में डिवाइड थे, ठीक है, जिनको हम किसके नाम से जानते हैं, मुख्ताज के नाम से जानते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करें, इसके समय एक राइटर जियाउद्दीन बरनी, जिसने इसके बारे में जो मेजर पॉलिसीज हैं उनका भी डिस्क्राइब इसने किया है, और उन मेजर पॉलिसीज में जो इनकी जो इंपॉर्टेंट है उनमें आपको सामने याद देखने को मिल रही है, 5 जो मेजर पॉलिसीज हैं वो कौन कौन सी थी वो फिर से रिवाइज कर देता हूँ। टैक्स इंक्रीज इन दोआब, दोआब क्षेत्र के अंदर क्या कर देना, टैक्स को बढ़ा देना। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें वो आपको ध्यान में रखना है, अलग से क्वेश्चन बनता है वो आपको ध्यान में रखना है, कौन सी, देवगिरी को जो कैपिटल बनाने वाला जो रूलर उसका नाम आपको ध्यान में रखना है। सेकंड जो इसकी पॉलिसी थी वो कौन सी थी, देवगिरी एज द कैपिटल, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ टोकन करेंसी, ठीक है, मतलब सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो स्टार्ट किया था वो किसने किया था, मोहम्मद तुगलक ने। नेक्स्ट अटैक ऑन खुरासान, अटैक किस पर, खुरासान पर, नेक्स्ट इसकी पॉलिसी थी। और लास्ट है वो कौन सी है, एक्सपेंडिशन टुवर्ड्स प्राचील, किस पर, सैन्य अभियान जो अभियान वो हमें देखने को मिलता है, किस पर, प्राचील पर, ठीक है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।